राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम नाक। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, तुमने अपने गांव में रामलीला जरूर देखी होगी। खूब मजा आता है ना रामलीला देखने में। तुम्हें याद है रावण की बहन शूर्पणखा रामचंद्र जी के पास जाकर कहती, मुझसे शादी कर लो। रामचंद्र जी ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। जब वो लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो उन्होंने क्या किया, शूर्पणखा की नाक ही काट दी। और शूर्पणखा, नाक कट गई, नाक कट गई, भैया मेरी नाक कट गई, ये कहती हुई रोती रोती जा पहुंची रावण के पास। बच्चों, अपनी नाक तो सभी को प्यारी लगती है, और फिर तो रावण सीता जी को उठाकर ले गया। राम और रावण की बहुत जोर जोर से लड़ाई हुई। मजे की बात ये कि सारी लड़ाई एक नाक की वजह से ही हुई है। अब तुम सोचोगे कि क्या ये नाक इतनी खास चीज है। हाँ हाँ भाई, नाक तो खास चीज ही है, तो क्यों ना आज हम इस नाक के बारे में ही बात करें हैं? नाक से हम सब सांस लेते हैं, ये तो सभी को मालूम है। और ये भी सभी जानते हो ना कि सांस लेना कितना जरूरी है। क्या कहा, नहीं मालूम? अच्छा अच्छा, जरा हाथ से नाक बंद करके देखो तो। मुंह मत खोलना। हाँ ऐसे। अरे अरे, तुमने तो नाक छोड़ दी, क्या हुआ? दम घुटने लगा ना, तो देखा नाक कितने काम की चीज है। सांस लिए बिना तो हम जरा सी देर भी नहीं रह सकते। हाँ, ये तो थी सांस लेने की बात। अब जरा सोचो कि सांस लेने के अलावा हमारी नाक और क्या क्या काम करती है। हाँ हाँ, सोचो। हाँ, हम नाक से सूंघते भी हैं, है ना? और जब अम्मा हलवा बनाती है तो उसकी सौंधी खुशबू से मुंह में पानी भर आता है ना? नाक से हम खराब चीज की बुरी बदबू भी सूंघ कर मालूम कर लेते हैं कि चीज खराब है। इसके अलावा एक बात और है, नाक हमारी सुंदरता को बढ़ाती है। जरा सोचो, अगर नाक न होती तो हम सब कितने भद्दे दिखते, शूर्पणखा की तरह। तभी तो शूर्पणखा को अपनी नाक कटने पर इतना गुस्सा आया था। नाक की सुंदरता बढ़ाने के लिए दीदी, अम्मा, चाची नाक में लौंग या नथ पहनती हैं।
नई नई बहू नाक में नथ पहने कितनी सुंदर लगती है, है? है ना? इसीलिए एक बार कृष्ण जी को होली में नथ पहनाकर राधिका बना दिया गया था। रसिया को नार बनावो री, रसिया को नार बनावो री, रसिया को नार बनावो री। मांग सिंदूर भाल में बिंदिया, मांग सिंदूर भाल में बिंदिया, नक बेसर पहनावो री, रसिया को नारे बनाओ री, रसिया को नारे बनाओ री। सुंदरता के अलावा नाक बोलने में भी हमारी मदद करती है। हाँ, बिना नाक के हम कई शब्द बोल ही नहीं सकते। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, नाक को हाथ से पकड़कर बंद करो और बोलो राम। हाँ हाँ हाँ, नाक को हाथ से पकड़कर बंद करो और बोलो बोलो राम। है? अरे ये कैसी आवाज निकली। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो बिना नाक के ठीक बोल ही नहीं सकते। बच्चों, अब एक खेल खेलें। मैं तुम्हें एक शब्द ऐसा दूंगा जो बिना नाक की मदद से नहीं बोल सकते, ठीक है? तुम्हें वैसे ही मिलते हुए शब्द बतलाने होंगे। तो भाई, पहला शब्द मैं देता हूं राम। नाक बंद कर ये इस तरह बोला जाता है ना, राम। हाँ, समझे ना? अब अगला शब्द है रंग। हाँ, पहले जरा देख लें कि नाक के बिना कैसा बोला जाएगा ये शब्द। नाक बंद करके बोलो जरा। हाँ हाँ, कैसे बोला जाएगा? रंग है। देखा, ये शब्द भी बिना नाक के नहीं बोल सकते। हाँ तो भाई, अब जरा बोलो इससे मिलते हुए शब्द। हाँ हाँ, ठीक, भंग है। और संग। हाँ, संग। और जंग। हाँ हाँ, ठीक, जंग। उसके बाद गंगा। गंगा गंगा। हाँ। अच्छा, अब अगला शब्द लेते हैं पानी। हाँ, क्या? पानी। और जरा देखें कि बिना नाक के इसे कैसे बोलेंगे। देखो यूं, पानी। हाँ, पानी। तो देखा, पानी बोलने के लिए भी नाक की सहायता चाहिए। तो अब जरा पानी से मिलते शब्द बताओ। हाँ हाँ, नानी। हाँ, और रानी। हाँ, रानी। और हाँ, बोलो ना। हाँ, कहानी। कहानी। हाँ, फिर हाँ, ठानी। ठानी। जानी। जानी। तो देखा बच्चों, ये थे वे शब्द जो नाक की मदद से बोले जा सकते हैं। एक और मजेदार बात याद आ गई, कुछ शब्द तो नाक की मदद से बोले ही जाते हैं, और बहुत सारे शब्द बोलने में अगर नाक की मदद ली जाए तो वे गलत हो जाते हैं।
हाँ, अरे भाई जैसे मुंशी जी बोलते थे वे हर शब्द नाक से ही बोला करते। अगर उन्हें कहना हो अरे भाई एक गिलास पानी दे दो तो बोलेंगे अरे भाई एक गिलास पानी दे दो। है हाँ, अब मुंशी जी की एक मजेदार बात सुनाओ तुम्हें। हाँ, एक बार क्या हुआ, आसमान में काले काले बादल छाए थे। काली बदरी को देखकर मुंशी जी और उनकी पत्नी में इस तरह बातें हुई। लो तुम भी सुनो। अरे भाई बंदरी आ रही हैं। बंदरी ना बंदर, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। अरे देखती नहीं, काली काली बंदरी। लो जी अच्छी कही, मुझे तो ना काली बंदरी दिख रही है और ना लंगूर दिख रहे। अरे अरे देखती नहीं, अरे घिर आई है बंदरी। हैं? मुझे तो लगता है मुंशी जी का दिमाग खराब हो गया है। दैयारी दैया, मैं क्या करूं, मुंशी जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। तो बच्चों सुना तुमने, नाक से बोलने से कितना गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा नाक से कई तरह की आवाज भी निकाली जा सकती है। हाँ, ये रही सितार बजाने की आवाज। और ये आवाज, ये भी तो नाक से ही आती है। हाँ, ये छींक एक तरह का इशारा है जो हमारी नाक हमें देती है। नाक ये इशारा तब देती है जब हमें जुकाम हो जाए या फिर धूल नाक में चली जाए। और ये आवाजें, नहीं 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 नहीं, डरो नहीं डरो नहीं, ये किसी जानवर की आवाज नहीं बल्कि खर्राटों की आवाज है। हाँ, ये पहली मालूम है किसके बारे में है, ये है नाक के बारे में। जरा बताना तो ये किसकी नाक है। अरे मेरी नाक मेरी नाक, देखो कैसी मेरी नाक, लेती सांस सूंघती भी है और नकेल पहनती नाक। उस नकेल को जिधर घुमा दो उधर घूम जाती ये नाक। क्यों नहीं समझे? अच्छा फिर से सुनो। मेरी नाक मेरी नाक, देखो कैसी मेरी नाक, लेती सांस सूंघती भी है और नकेल पहनती नाक। उस नकेल को जिधर घुमा दो उधर घूम जाती ये नाक। है पहचान गए ना? हाँ हाँ भाई, ये है ऊंट की नाक। ऊंट की ही नाक में नकेल डली होती है। हाँ, अब तुम जरा अपनी नाक पकड़ कर देखो, अपनी जगह पर है भी या नहीं है?